स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आज महिला सुरक्षा को लेकर एक बैठक की। इस बैठक में एडीजे से लेकर तमाम अधिकारी शामिल हुए, साथ ही महिला सुरक्षा अधिकारी भी इसमें शामिल हुई। 1090 के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। इसके अलावा पेट्रोलिंग पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने लखनऊ में डीजीपी ओपी सिंह के साथ ये बैठक की। बताया जा रहा है कि बैठक में महिला सुरक्षा पर बिंदुवार चर्चा हुई और महिलाओं की सुरक्षा पर खास ध्यान देने को कहा। इस बैठक में डीजीपी के अलावा एडीजी कानून व्यवस्था आनंद कुमार, एडीजी महिला सम्मान प्रकोष्ठ रेणुका कुमार, डीआईजी कानून व्यवस्था विजय भूषण, एडीजी 1090 अंजू गुप्ता, डीआईजी नीरा रावत शामिल हुए। महिलाओं के संबंध में हुआ है, उसमें पुलिस ने बहुत तत्परता से कार्रवाई कर सभी मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित लड़कियों को 164 का बयान कराया जा रहा है और स्थानीय पुलिस द्वारा वो सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं जिससे इन मुकदमों में सफल अभियोजन के साथ साथ उनकी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। कुशीनगर का मामला हो, हमीरपुर का मामला हो या अलीगढ़ का मामला हो, इन सभी प्रकरणों की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर की गई और ये निर्णय लिया गया कि विगत में जितने भी इस तरह के अपराधी तत्व हैं उन सबों का अभिलेखीकरण करके और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। फुट पेट्रोलिंग की व्यवस्था बढ़ाई जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के वारदात न हो पाएं।